राम राम भाई सारे ने, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मूव वन स्टेप अहेड इन दिस 75 प्रॉब्लम चैलेंज। तो आज का इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। ओके, तो क्विकली रीड करते हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या हमें दिया गया है। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजिशन ऑफ ए गिवन टारगेट वैल्यू। ओके, तो हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक एरे दिया गया होगा नम्स नाम से, और एक टारगेट वैल्यू दी गई होगी जो कि और हमें उस टारगेट वैल्यू का जो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स है वो रिटर्न करवाना है। प्लस जो एक और चीज़ इसमें दी गई है कि ये जो एरे है वो सॉर्टेड है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है लेकिन उसमें डुप्लीकेट्स भी होंगे, राइट। और जो नेक्स्ट लाइन है वो है कि इनकेस टारगेट इज़ नॉट फाउंड इन द एरे रिटर्न -1 -1। ओके, अगर हमें ऐसा केस है कि जिसमें टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में हमें जो दोनों ही अक्रेंसेज हो जाएंगी वो -1 -1 हमें रिटर्न करवानी है। ओके, तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम विद ओ ऑफ लॉग ऑफ एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि हमें ये पूरा जो क्वेश्चन है वो ओ ऑफ लॉग एन में ही सॉल्व करना है। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सॉल्यूशन। ओके, तो अगर मैं फिर से एक बार ब्रीफली बताऊं कि क्या हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, या सो हमें एक एरे नम्स नाम से दिया गया रहेगा, तो लेट्स से अगर 5 7 7 8 8 10 जो कि फर्स्ट एग्जांपल है लीट कोड पे, अगर यही हम ले तो हमें एक एरे दिया गया है नम्स और एक टारगेट वैल्यू दिया गया है दैट इज 8 इन दिस केस। अब हमें करना क्या है कि 8 का जो फर्स्ट अकरेंस है और जो लास्ट अकरेंस है, यानी कि सबसे पहले एरे में 8 कहाँ आ रहा है वो इंडेक्स, और लास्ट सबसे एंड में 8 कहाँ पे आ रहा है वो इंडेक्स, हमें ये रिटर्न करवाना है। तो अगर हम जीरो बेस इंडेक्सिंग देखें 3 4 5, तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3 4। सबसे पहले 8 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है और सबसे एंड में जो 8 है वो फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यार कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दो चीज़ें मेंशन की गई थी। फर्स्ट वाज कि ये जो पूरा क्वेश्चन है हमें ऑफ लॉग ऑफ एन में सॉल्व करना है, एंड द सेकेंड वाज कि ये एक जो पूरा एरे है सॉर्टेड है। तो अब ये दोनों चीज़ों को देखकर हमें क्या समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगेगा। क्यों? क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि बाइनरी सर्च जो एल्गोरिदम है वो ऑफ लॉग एन में काम करता है, प्लस बाइनरी सर्च लगाने के लिए जो एक कंडीशन रहता है कि जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, वो भी इस केस में हमें हमारी कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है। तो विद नो डाउट हम बाइनरी सर्च के साथ ही इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे बाइनरी सर्च हम लगाएंगे। ओके, तो फिर से हमारा जो एरे है वो लेते हैं एक बार 5 7 7 8 8 10। ओके, तो अब हम इसको पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि फर्स्ट अकरेंस हम निकालेंगे, और जो सेकेंड पार्ट है कि हम सेकेंड अकरेंस निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट अकरेंस वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अकरेंस निकालते हैं कि 8 का कहाँ पे होगा, ठीक है। टारगेट हमारा है 8, तो बाइनरी सर्च का पूरा एल्गोरिदम लिखते हैं यार। सबसे पहले हमें एक इंट एल को इनिशिएट करना है और एक इंट एच को इनिशिएट करना है। तो एल इस केस में क्या होगा, जो इंडेक्सेस है ज़ीरो बेस्ड हैं 3 4 5, तो जो एल है वो हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि एल हमेशा हम बाइनरी सर्च में एक मिनिमम एलिमेंट को लेते हैं, जो भी हमारा आंसर स्पेस होता है उसका जो मिनिमम एलिमेंट होता है वही हम एल के फॉर्म में, क्योंकि इस केस में हमें इंडेक्स ही है जो आंसर के फॉर्म में रिटर्न करवाना है एंड में। तो जो हमारा मिनिमम इंडेक्स है वो हो जाएगा हमारा एल ज़ीरो, और जो एच है वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम इंडेक्स, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स जो कि है 5, और ये हर केस में n-1 ही होगा।
ठीक है, एन अगर यहाँ पे 6 है जो कि एरे का लेंथ है, ओके। तो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम कुछ ऐसा सा होता है कि वाइल एल इज़ लेस देन एच, ठीक है, ऐसे ही हम हमेशा बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिदम होता है लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बार पूरा एरे जब ट्रेवर्स हो जाता है तो हम अपना बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम को रोक देते हैं और आंसर रिटर्न करवाते हैं। इस कंडीशन का यही मतलब है, वाइल एल इज़ लेस देन इक्वल टू एच, इन केस अगर एल एच से बड़ा हो गया तो इसका मतलब हमने पूरा एरे अपना ट्रेवर्स कर लिया है और अब नाउ वी नीड टू स्टॉप इट हियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एक मिड निकालते हैं, दैट इज एल प्लस एच बाय टू, ठीक है। तो इस केस में यार अगर हम देखें तो सबसे पहले जो एल है वो 0 है, एच जो है हमारा 5 है बाय 2, तो क्या हो गया, हमारा जो मिड है वो 2 हो गया, ठीक है, यानी कि ये। अब हमें जो अपना पूरा काम करना है वो इस जो जो हमारा मिड आया है वो वाले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही करना है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में 3 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट वन कि लेट्स से हमारा जो नम्स ऑफ मिड है, यानी कि मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है दैट इज 7 इन दिस केस, अगर वो टारगेट एलिमेंट से छोटा है, जो कि है भी, 7 इज लेस देन 8 इन दिस केस, राइट, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? तो हमें समझ में आ रहा है यार कि इससे लेफ्ट वाले पार्ट में हमें कोई भी आंसर हमारा नहीं मिलेगा। अगर ये 7 है तो श्योरली जो फर्स्ट इंडेक्स होगा चाहे लास्ट इंडेक्स है 8 का, वो राइट पार्ट में ही होगा, क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है, राइट। तो 7 से बड़ा है अगर 8 तो लेफ्ट पार्ट में नहीं मिल सकता हमें। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट वाला पार्ट, इसको एलिमिनेट कर देंगे और जो हमारा एल है उसको बोलेंगे एक स्टेप आगे जंप करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा एल है वो क्या करेगा, मिड प्लस 1 पे जंप कर जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है एल्स इफ नम्स ऑफ मिड जो है हमारा, दैट इज ओके सॉरी दैट इज ग्रेटर देन टारगेट, राइट। तो लेट्स से अगर हमारा जो मिड है वो 5 निकल के आता, लेट्स से अगर इसका जो लेंथ है एरे का वो ज़्यादा है तो 5 भी आ सकता था, ठीक है। तो 5 है तो इस जो 5 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो है 10। तो अगर हमारा ये वाला इंडेक्स हमें मिलता नम्स ऑफ मिड जो है टारगेट से बड़ा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा आंसर है वो लेफ्ट पार्ट में ही लाई करेगा, राइट पार्ट में वो नहीं हो सकता। 10 के आगे 8 हमें नहीं मिल सकता एक सॉर्टेड एरे में, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एच को एक स्टेप पीछे आने के मिड के, यानी कि जो हमारा एच इनिशियली यहाँ पे था 5 पे था, वो अब हमारा आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, मिड माइनस 1 की तरफ। तो ये हो गया। अब जो लास्ट कंडीशन है, ये वाला कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस केस में हमारा जो नम्स ऑफ मिड है, नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू हमारा टारगेट के, ठीक है। मतलब इस केस में जो हमारा एलिमेंट है, जैसे इस केस में 8 है तो हम 8 ही एलिमेंट मिल गया, यानी कि जो भी हमें इंडेक्स आया है उस पे जो एलिमेंट है वो 8 ही है, वो हमारा टारगेट ही है, ठीक है। तो इस केस में जो कि फर्स्ट अकरेंस है, हमें क्या लौटाना है कि जहाँ पे 8 सबसे पहली बार आए, ठीक है। तो अगर तो हमें दिया जाता, लेट्स सपोज कि हमें एक एरे दिया जाता जिसमें हमें बोला जाता है कि एक ही 8 है भाई और तुम्हें उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है, तो फिर जैसे ही ये वाला सिचुएशन हमारा ट्रू होता, हम इसको आंसर के फॉर्म में स्टोर करते और ये पूरा जो लूप है उसको ब्रेक कर देते। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि 8 तो हमें मिला, लेकिन हो सकता है कि वो फर्स्ट 8 नहीं है, यानी कि इसके आगे लेफ्ट पार्ट में भी इसके कुछ भाई बंधु 8 जो हैं बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि हमें मिड मिड मिला 4, ठीक है, तो इस पे जो एलिमेंट है डेफिनेटली वो 8 तो है ही, लेकिन हो सकता है कि इसके आगे और भी 8 हैं, तो हम आंसर के फॉर्म में 4 को रिटर्न नहीं करवा सकते। हम स्टोर तो करेंगे 4 को, क्योंकि दो केसेस हो सकते हैं,
या तो इसके लेफ्ट पार्ट में और 8 है और या तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो हमें फाइनली 4 ही रिटर्न करवाना पड़ेगा, है ना। और अगर है तो हमें 4 नहीं रिटर्न करवाना, हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस को देखते हुए हम करेंगे क्या, हम इस पॉइंट पे एक आंसर नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसको इनिशिएट करेंगे हम -1 से, क्योंकि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यार बोला गया था कि अगर हमें पूरे पूरे एरे में कहीं पे भी वो टारगेट एलिमेंट हमारा नहीं मिलेगा तो हमें -1 रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो आंसर को हम -1 से इनिशिएट करते हैं। हम करेंगे क्या कि जैसे ही हमें नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट मिलता है तो हम आंसर में इसका जो इंडेक्स है वो स्टोर करवा लेते हैं, यानी कि मिड को स्टोर करवा लेते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या कि एच इज इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। तो क्या किया हमने इस केस में, फिर से हम एक बार लिखते हैं ये फॉर क्लैरिटी। तो हमने किया गया, हमें मिला था ये वाला 8, हमने बोला ओके हम इसका जो इंडेक्स है वो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन हमें अपना सर्च रोकना नहीं है, हम अभी भी जो लेफ्ट पार्ट है उसमें अपना सर्च चालू रखेंगे। ठीक है, हम उस अभी भी वही एल्गोरिदम सेम इसके लिए लगाएंगे, क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ चांस कि अभी भी कुछ 8 हैं जो लेफ्ट पार्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम इस चीज़ को लेकर हम श्योर हैं कि हमें राइट पार्ट में सर्च नहीं करना है अब, क्योंकि हमें ये वाला 8 मिल गया तो हमें मैटर नहीं करता कि इसके आगे कुछ और 8 भी होंगे, क्योंकि हमें जो मतलब है वो है फर्स्ट अकरेंस से। ठीक है, तो या तो ये फर्स्ट अकरेंस होगा या तो इसके आगे कोई होगा 8, वो फर्स्ट अकरेंस होगा। तो दोनों ही केसेस हमने कवर कर लिए कि अगर यही 8 हुआ, इसके आगे कोई 8 नहीं हुआ तो हमारा जो आंसर होगा एंड में यही रिटर्न होगा, लेकिन अगर कोई 8 होगा इसके आगे तो हम सर्च अभी भी कर ही रहे हैं। तो दोनों ही केसेस जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो इस पूरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एंड में जब लूप हमारा ख़त्म होगा व्हाइल लूप, तो हमें रिटर्न क्या करवाना है इस केस में, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये फर्स्ट अकरेंस वाला पूरा वो चीज़ है वो समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं सेकंड अकरेंस की तरफ। तो सेकंड अकरेंस को वाला पूरा पार्ट सॉल्व करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप यहीं पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला पूरा जो पार्ट है खुद से कोड करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जो पूरा कोड है एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा पूरे ये वाले लेफ्ट साइड वाले कोड में। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप इससे पहले आपने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा, चीटिंग नहीं करनी है गाइस। ओके, तो फिर से हम करते हैं इसको 577 88 10। तो फिर से अगर हम देखें तो ये चीज़ें तो यार सब सेम ही होंगी, फिर से हमारा आंसर स्पेस सेम है, हमें फिर से बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम सेम तरीके से चलाना है, मिड निकालना है हर केस में। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा देखते हैं क्या ये चेंज होगा या नहीं। ठीक है, तो नम्स ऑफ मिड अगर टारगेट से छोटा है तो क्या उस केस में एल इज इक्वल टू मिड +1 होगा इस केस में भी? डेफिनेटली यस। अगर हम 7 पे आके अटक गए हैं कहीं पे भी, मिड हमारा 7 की तरफ हमें ले आया, तो वी आर श्योर कि हमें आंसर जो है वो राइट पार्ट में ही मिलने वाला है, चाहे वो लास्ट अकरेंस है चाहे वो फर्स्ट अकरेंस है। तो ये वाला जो कंडीशन है एग्जैक्टली सेम होगा इस पार्ट में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं कि अगर जो हमें जो एलिमेंट मिला है मिड मिड पे वो बड़ा है 8 से, तो ये वाला कंडीशन भी सेम होगा, क्योंकि अगर 10 पे अगर हम आ पहुंचे कभी भी, मिड हमें इस तरफ ले आया तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं लेफ्ट की तरफ चलो, तुम गलत डायरेक्शन में भटक रहे हो, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट राइट वाला पार्ट एलिमिनेट करेंगे इस केस में भी। अब ये वाला जो कंडीशन है मॉडिफिकेशन इसमें होगा कि लेट्स से हमें एक 8 मिल गया, मान लीजिए ये वाला 8 हमें मिल गया, तो हम एक बार इसका वैल्यू तो स्टोर करवाएंगे ही, लेकिन अब जो नेक्स्ट हमें सर्च करना है वो हमें इसके आगे वाले एरे में करना है। इस केस में हमने एक बार वैल्यू स्टोर करवाने के बाद लेफ्ट वाले पार्ट में सर्च किया था, लेकिन अब हम करेंगे क्या कि ओके ये वाला चीज़ हमने स्टोर कर लिया है, लेकिन अब हम इसके आगे वाले एरे में पूरा सर्च करेंगे, राइट। तो यही है जो हमारा मॉडिफिकेशन है इस केस में। ठीक है,
तो इस केस में हम लिखेंगे ये एल्स वाला कंडीशन, नम एल्स आंसर इज इक्वल टू मिट, आंसर फिर से हम स्टोर करवाएंगे ही, और जो एल है उसको जंप करवा देंगे एक स्टेप फॉरवर्ड इस केस में, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार हमें ऑलरेडी पता है इस केस की, ऑफ लॉग एन में ही हमने पूरा काम किया है। दिस वाज द थिंग जहाँ से हमने आइडिया बनाया था कि हमें अप्रोच क्या यूज़ करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही क्लियर है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारा ओ ऑफ वन, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट स्पेस में ही पूरा काम किया है, हमने कोई भी एरे कुछ भी वेक्टर में आप कुछ भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो ओ ऑफ वन में ही हमारा पूरा काम हुआ है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड कि हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं। तो मैंने ये कोड ऑलरेडी कर रखा है, ओके। तो हम इसको क्विकली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला पूरा कोड है जो कि मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट एज अ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट अक्रेंस निकालने के लिए, जिसको मैंने इंट स्मॉल एक ठीक है फंक्शन के फॉर्म में बना लिया है। तो इसमें हमारा जो नम्स दिया गया है, टारगेट दिया गया है, वो दोनों इनपुट ले लिए हैं फंक्शन में, पैरामीटर्स ठीक है पास कर दिए हैं। तो एन इज इक्वल टू नम्स का साइज है, आंसर जो हमने पहले भी डिस्कस किया है -1 से हमने इनिशिएट किया है, क्योंकि इधर हमें दिया गया था कि -1 हमें रिटर्न करवाना है, ठीक है, अगर हमें वो एलिमेंट नहीं मिला है एरे में। तो एल को 0 से इनिशिएट किया, एच को n-1 से, पूरा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने लिखा है इफ़ नम्स ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन टारगेट, एच को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और सेम अगर ये जो हमारा एल्स इफ वाला हमने कंडीशन बनाया था वो है कि अगर छोटा है तो एल इज इक्वल टू मिड +1 में ले आओ। और ये था हमारा एल्स वाला कंडीशन, हमने डिस्कस करते हुए इसको एंड में रखा था ये वाला कंडीशन को, कि हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो टारगेट के इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर है वो मिड के इक्वल होगा, लेकिन हम लेफ्ट साइड में भी एक बार सर्च करेंगे। और ये है हमारा लास्ट एलिमेंट करने के लिए, सारी चीज़ें सेम हैं, बस इस केस में हम राइट पार्ट में सर्च करेंगे, ठीक है। ये आंसर स्टोर करने के बाद राइट हैंड साइड में भी एक बार सर्च करेंगे, ठीक है। तो एंड में क्योंकि हमें ये जो आंसर है वो एक वेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करवाना है, तो हमने एक एल ई करके वेरिएबल बनाया जिसमें हमने फर्स्ट इंडेक्स को स्टोर करवाया, फिर एक आर आई करके बनाया जो जिसमें हमने एंड लास्ट अक्रेंस को स्टोर करवाया, और फिर एक वेक्टर बनाया आंसर जिसमें दोनों एलिमेंट्स पुश करवाए और रिटर्न करवा दिया। तो आई होप यार आप सबको ये क्लियर होगा क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।